पिछले साल 600 करोड़ की वाहियात और कार्टून मूवी रिलीज हुई थी, जिसे मूवी के राइटर डायरेक्टर ने मॉडर्न माइथोलॉजी कहकर के डिफेंड करने की कोशिश तो की थी, लेकिन अफसोस कर नहीं पाए, क्योंकि वही बात होती है कि भाई ऑडियंस को बेवकूफ समझना सबसे बड़ी गलती है। एंड ये बात आज रिलीज हुई हनुमान से हर एक फिल्म मेकर को समझनी चाहिए कि एक अच्छी फिल्म किसी नामचीन सुपरस्टार या फिर 100,000 करोड़ रुपए के बजट से नहीं बनती, बल्कि एक ब्रिलियंट विजन और सिनेमा को लेकर के जेन्युइन अप्रोच से बनती है। प्रशांत वर्मा यानी हनुमान फिल्म के डायरेक्टर ने मात्र 30 करोड़ रुपए में हर किसी फिल्म लवर का 2024 बेहतरीन कर दिया अपने यूनिक माइंडसेट और पिक्चर की अच्छी कहानी से, जिसमें हॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर हीरो बैटमैन सुपरमैन को धूल चटाते हुए ये दिखाया गया है कि कोई भी सुपर हीरो हमारे हनुमान जी को बीट नहीं कर सकता। एंड हमें प्राउड है कि सालों से मार्वल और डीसी के फिक्शनल सुपर हीरोज को एंजॉय करने के बाद अब हमारी इंडियन तेलुगु इंडस्ट्री से ये एक ऐसी पहल की गई है जिसके लिए हमें स्पाइडरमैन बैटमैन की मूवीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है अपना मैन यानी हनुमान। पिक्चर का मेन मोटो है बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसमें ये बताया गया है कि बिना सुपर पावर्स के भी तुम हीरो हो अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम अच्छाई के लिए लड़ते हो। फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटे 40 मिनट के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बोर नहीं करेगी इसकी इंगेजिंग स्टोरी की वजह से। आप फिल्म को एंजॉय करते जाओगे एंड कहीं से भी आपके मन में नहीं आएगा कि फिल्म लंबी है या ऐसा कुछ भी, जिसके और भी मेन कारण हैं, जिसमें से दो हैं VFX और BGM। VFX काफी ज्यादा क्लीन था, मतलब देख करके आपको खुद को यकीन करवाना पड़ेगा कि वाकई में क्या फिल्म का बजट मात्र 30 करोड़ रुपए है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी तो आजकल 600 करोड़ में भी नहीं ला पाते हैं फिल्म मेकर्स। इनफैक्ट BGM में भी नयापन था। रिलीज सलार अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फिल्म के अंदर, एक अजीब सा नशा पैदा करता है, कोई भी ऑर्डिनरी सीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की क्षमता रखता है। एंड यही सिंसियरिटी होती है अपने क्राफ्ट को लेकर के। किसी भी सुपरस्टार को 100, 150, 200 करोड़ रुपए देने से अच्छा है कि आप अपनी मूवी के माइनर और मेजर एस्पेक्ट्स पर अच्छे से काम करिए, तो वो फिल्म कुछ अलग ही निकल करके आती है, जिसका एक और रिसेंट एग्जाम्पल है 12th Fail। एंड आई बिलीव कि हनुमान भी एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस डिजर्व करती है अपने अच्छे कंटेंट की वजह से, अपनी छोटी छोटी डिटेलिंग की वजह से। जैसे कि मूवी के अंदर भाई बहन के बॉन्ड को बहुत ही डीपली रूटेड तरीके से दिखाया गया है, जो कि मूवीज में हम कम देखते हैं। भाई बाप बेटा, माँ बेटी, इन सब के बॉन्ड्स को तो दिखा दिया जाता है, लेकिन एक बड़ी बहन कैसे अपने भाई के लिए या अपने छोटों के लिए माँ बाप सब कुछ बन जाती है वक्त आने पर, उसे भी बड़े इमोशनल तरीके से पिक्चर के अंदर प्रेजेंट किया गया है। और यही वजह है कि मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये फिल्म बड़ों से लेकर के बच्चों तक हर कोई देख सकता है बिना कोई सेकेंड थॉट दिए, क्योंकि मुझे पता है कि एंजॉयमेंट के साथ साथ हर कोई इस मूवी से बहुत कुछ सीखेगा भी। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी की स्टोरी, श्री राम जी और हनुमान जी के बीच का ब्यूटीफुल बॉन्ड, एंड इसीलिए शायद ये फिल्म एक सुंदर सिंक्रोनाइजेशन दिखाती है माइथोलॉजी और सुपर हीरो के बीच में। अच्छी कास्टिंग, अच्छी कहानी और एवरेज गानों की वजह से मैं इसको दूंगी 5 में से 4 हार्ट्स। एंड तब तक वेट करूंगी अगले साल का जय हनुमान यानी हनुमान के सेकेंड पार्ट के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।